नमस्कार मित्रों, आज हम बनाने जा रहे हैं काले अंगूर का जाम। काले अंगूर लो या ग्रीन लो या मिक्स लो, कैसे भी, लेकिन जो काले अंगूर का जाम है उसका कलर काला आएगा। आपको इसमें गुड़ लेना है तो गुड़ ले सकते हो, शक्कर लेना है तो शक्कर डाल सकते हो, और इसमें एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, वो है हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, मतलब गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल, जो जासवंद के फूल बोलते हैं, हम गणेश जी को और दुर्गा माता को चढ़ाते हैं, लाल वाले फूल, सिर्फ लाल वाले फूल मेडिसिनल यूज़ के लिए रहते हैं। इनके नाम ऐसे कौन से इसके नाम ये फूल के, हरिवल्लभ, जय पुष्पी, रक्त पुष्पी, रुद्र पुष्पी, संस्कृत में इसको जपा बोलते, अरुणा, जासूम, जवाकुसुम, रोजेला, जमेका, सॉरेल, शू फ्लावर, चाइना रोज़, इतने सारे नाम इस गुड़हल के फूल को है। तो इसको पहले क्या करना है, अंगूर को और वो फूल को मिक्सी में बारीक कर लेना है। अंगूर के जो डंठल है वो निकाल देना है, वो जो गुड़हल के फूल के जो हरा भाग पीछे का होता है डंडी, और वो निकाल देना है, सिर्फ लाल भाग लेना है। ऊपर में जो तुरा होता है जासवन के फूल का, वो भी निकाल देना है, वो भी यूज़ नहीं करना है। इसको शक्कर या गुड़ में गैस पर पकाना है और हिलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा, लग जाएगा बर्तन को, तो इसको हिलाते रहना है। जब हिलाते इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि अंगूर के, जब आप अंगूर को मिक्सी में बारीक करोगे तो बहुत पानी हो जाता है, इसमें पानी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब पानी ख़त्म हो जाए, ऐसे गाढ़ा हो जाए, तब गैस बंद करना है, ठंडा होने पर खा के देखना है। खा के देखने के बाद कैसा लगता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। किसी किसी को थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आने के लिए आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो, तो ये और भी टेस्टी हो जाता है। ये है अंगूर की जैम। तो कोई भी अंगूर लो, हरा लो, काला लो, लेकिन उसमें बीजे नहीं होना चाहिए। बिन बीज वाला अंगूर लो और उसका जाम बनाओ, खाओ, मस्त रहो। और जो गुड़हल के फूल, ये ऑप्शनल बताया, मेडिसिन के तौर पे, जिनको बाल गिरने की समस्या है और जिनको अपने बाल घने करना है, काले करना है, तो वो ये ले सकते हैं। वो गुड़हल के फूल का और भी एक यूज़ होता है, वो तेल में गरम करके, जो भी नारियल तेल वगैरह है उसमें डाल के गरम करके, वो भी तेल आप सर को लगा सकते हो। तो ये थे गुड़हल के फ़ायदे और जैम।